हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यवर्ती पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WhatsApp पर स्टिकर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और इसके बहुत सारे मेथड क्या हैं, ताकि आपको परेशानी भी ना हो और आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम WhatsApp को खोल लेते हैं। तो देखिए, मुझे किसी ने ये स्टिकर भेजे हैं, तो मुझे दूसरे को भेजना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो सिंपल सा ऑप्शन है वो है फॉरवर्ड का। मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर किसी को भी भेज सकता हूँ। तो देखिए, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, मैं वही इसी पे डिस्कस करने वाला हूँ कि एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले आप स्टिकर को अगर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टार बना हुआ है। ये स्टार है ऐड टू फेवरेट, फेवरेट में करने का। तो जब आप इस पर दबा देते हो तो देखिए, ये यहाँ पे नीचे एक स्टार बन जाता है, यानी ये आपका स्टिकर ऐड टू फेवरेट में चला गया। जब आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये देखिए, यहाँ पर ये आपका स्टिकर इस जगह आ गया है। लेकिन जो ये वाला टैब है, इस टैब में आप 30 से अधिक स्टिकर नहीं, ऐड टू फेवरेट में नहीं ला सकते। तो ये बहुत सारे स्टिकर की कैटेगरी वो किस तरीके से बनाए और बहुत सारे स्टिकरों को कैसे हम यूज़ करें, तो वही मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये है। सीधा आप अपने प्ले स्टोर ऐप में जाएं, और प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। इसमें जाने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। हमारा ये ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब इसको ओपन करते हैं। इस ऐप का ये फ़ायदा है दोस्तों, इसमें आप इमेजेस को भी ऐसे स्टिकर यूज़ कर सकते हो। JPG, JPEG जो फाइल होती हैं इमेज की, उनको भी स्टिकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट है, जितने भी आपके स्टिकर आपके मोबाइल पर आए हैं तो उनको भी आप एक कैटेगरी बनाकर फोल्डर वाइज यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। आपको सीधा जाना है, देखिए, आप जब अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप वाले इसमें, और तो इसमें जाएंगे हम दोस्तों मीडिया में, और मीडिया में जाकर व्हाट्सएप स्टिकर पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर हैं। तो दोस्तों, इनकी अलग से हमें कैटेगरी किस तरीके से बना सकते हैं, अलग हमको फोल्डर बनाने पड़ेंगे, यहाँ से इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बना रखे हैं ए, बी और सी। अब वापस फिर दोबारा वहीं चलते हैं। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से फोल्डर वाइज एक कैटेगरी बनाने के बाद इसमें जाना है आपको ऐड, यहाँ पे दिख रहा है ना ऐड, इस पर क्लिक करना है। देखिए, एक फोल्डर में 30 से ज़्यादा स्टिकर ना हो। अगर 30 से ज़्यादा स्टिकर होंगे तो आपके बाकी स्टिकर नहीं आ पाएंगे, सिर्फ 30 स्टिकर एक फोल्डर एक कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आप इसको आपके दो व्हाट्सएप हैं, मैं दोनों व्हाट्सएप चलाता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप भी, तो आप व्हाट्सएप पर ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ऐड कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। अब ये सेंडिंग टू व्हाट्सएप, अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये ऐड हो गए हैं। अब आप जाइए अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, यहाँ पर दबाइए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये सब स्टिकर आ चुके हैं। अब आप आराम से इसको भेज सकते हैं किसी को भी। तो दोस्तों, ये था वीडियो व्हाट्सएप पर स्टिकर भेजने का एक आसान तरीका, जो मैंने आपको बहुत हद तक समझा दिया है।
सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम व्हाट्सएप पर स्टिकर भेज सकते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन के साथ कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर न केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें डाली जाती हैं बल्कि धर्म से तथा हिस्ट्री से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ओम नमस्ते।